हाय एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है क्लैट पॉइंट के हमारे पीजी वाले इस चैनल पे। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो एनवायरनमेंट लॉ को प्रोबेबली आपकी क्लैट पीजी के लिए मैं समराइज करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एनवायरनमेंट लॉ इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक, बहुत बड़ा है, सब्जेक्ट भी बहुत वास्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद करनी होती हैं। बट एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ पूछा जाता है, एग्ज़ाम में देर आर सम लिमिटेड थिंग्स विच आर मोस्टली आस्क। तो अभी हम यही करेंगे कि जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी वो यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो कि मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों तक, कोई टेक्निकल इशू नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सो दैट वी कैन स्टार्ट आर सेशन। ठीक है, तो कोई भी आप में से जो है प्लीज़ थम्स अप कर दीजिए या कमेंट में कुछ लिख दीजिए, जिससे मुझे ये पता रहे कि हाँ आप लोगों को मेरी आवाज़ जो है वो क्लियर आ रही है। ठीक है, तो जस्ट अ सेकेंड गाइस, एक सेकेंड में चेक कर लूँ ये टेक्निकल इशू वाला कोई प्रॉब्लम ना हो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ये कि यार पीजी का आपका पेपर अब बहुत पास में ही है, ज़्यादा समय नहीं रह गया है, तो आई होप आप लोग जो हैं अपने सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो, हर सब्जेक्ट को अच्छा सा समय दे रहे हो। क्योंकि एक बात मैं बता देता हूँ कि जो 6-7 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना, बिल्कुल आप किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ के ना इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। तो मैंने यही बोला था कि यू डोंट नीड टू बी मास्टर ऑफ एवरीथिंग, यू जस्ट नीड टू हैव एवरेज प्लस नॉलेज इन मतलब हर जो आपके सब्जेक्ट इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं, हमने ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर रखा है, तो वो रिपीट करने का कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। देखो, सबसे पहले एनवायरमेंट लॉ में ना आपको पढ़ना क्या है, देखो मतलब ऐसे तो आप बुक्स उठा के देखोगे तो बहुत ज़्यादा है, तो वो तो नीडेड नहीं है। तो आपको पढ़ना क्या है, आपको देखो बेसिकली कुछ एक्ट्स हैं इसमें जो पूछे जा सकते हैं, कुछ कन्वेंशंस हैं इसमें जो पूछे जा सकते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो इसमें पूछे जा सकते हैं, और एनवायरनमेंट लॉ से रिलेटेड जो केस लॉज हैं वो पूछे जा सकते हैं। काफ़ी बार कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करके कुछ क्वेश्चन जो हैं इसमें पूछ लिए जाते हैं। तो दीज आर सम क्वेश्चन जो इस पर बनते हैं, जो इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या हैं, कैसे कैसे हैं, वही सब हम देखने की आज के सेशन में कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखो, अब जैसे बहुत बार क्या होता है ना, जब भी कोई तैयारी स्टार्ट करते हैं तो फिर अब एनवायरनमेंट लॉ क्या होता है, हम ना ये सोचने बैठ जाते हैं, हम फिर इसी के बारे में दिमाग लगाने लग जाते हैं कि एनवायरनमेंट लॉ क्या है, चलो एनवायरनमेंट लॉ के बारे में जानते हैं कि एनवायरनमेंट लॉ क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो ये सब टाइम वेस्टेज है यार, ये करने का मतलब ही नहीं है, ये करना थोड़ो बैठे हुए हम कि एनवायरनमेंट लॉ क्या है, कैसे मतलब इसकी डेफिनेशन है क्या है, ये सब बकवास जो चीज़ें हैं, तो वो नहीं करना है अपने को। ठीक है, देखो मुझे पेंसिल यूज़ करनी नहीं आ रही है इसकी, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो सबसे पहले देखो, अ रेफरेंस ऑफ द एनवायरनमेंट हैज़ बीन मेड इन DPSP, तो ये आपको पता होना चाहिए। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देर इज़ पॉसिबिलिटीज़ की मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ है क्या, कुछ नहीं दिया हुआ है कुछ, तो DPSP पार्ट 4th जो है आपका वहाँ पर इसके बारे में आपको मिल जाएगा। पार्ट 3rd जो है फंडामेंटल राइट, इसमें आपको इसके बारे में मिल जाएगा। अब आगे बढ़ें उससे पहले देखिए, क्लैट पॉइंट जो है ऑफर करता है क्लैट PG के वेरियस कोर्सेज। तो क्लैट PG 2023 के लिए हमारा क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, क्लैट PG 2024 के लिए हमारा ईयर लॉन्ग बैच चालू हो चुके हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन से हमारी एप्लीकेशन चेक करके इन कोर्सेज को देख सकते हैं। अब वापस आ जाते हैं सेशन के ऊपर। 1980 के अंदर ना डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट इस्टेब्लिश करी गई थी इंडिया के द्वारा, जिसको बाद में आज की डेट में हम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की तरह देखते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, 1980 के अंदर एक डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी, जिसको बाद में आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट कर दिया था 1985 में। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज, कोई दिक्कत, जूम इतना सही है ना, आप लोगों को विजिबल है, आप लोगों को क्लियर है, आई होप क्लियर हो, जरूरी है, नहीं होगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर मैं बोलता जाऊँगा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो गुड इवनिंग नंदिनी, गुड इवनिंग तान्या, गुड इवनिंग लक्ष्मी, गुड इवनिंग नीलोत्पाल, गुड इवनिंग दीपशिखा, बीच बीच में आप लोगों से बात भी करते रहेंगे, क्वेश्चंस भी कुछ होंगे तो वो भी लेते रहेंगे। ठीक है, अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जो है हमारी आज की डेट में, उसके ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट एंड एंश्योरिंग द वेलफेयर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, एग्जाम में नहीं आएगा, जस्ट फॉर नॉलेज मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एनवायरनमेंट लॉ से रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं, कुछ बातें हैं तो कहाँ है, कैसे हैं, चलो देखते हैं। तो देखो, जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना था ना, तब उस समय कुछ भी स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जो है वो नहीं था,
बट कॉन्स्टिट्यूशन का 42nd अमेंडमेंट 1976 का आया था ना, उस समय आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं देखने को मिली थी कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई थी। अनलाइक मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाउ स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। अभी एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही एक करंट अफेयर भी हमने कुछ दिन पहले, द हिंदू अगर आप लोग हमारा फॉलो करते हो तो वहाँ पे हमने देखा था कि बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है ना, इन प्लांट्स को, एनिमल्स को भी लीगल राइट्स दिए थे। कोई भी एक कंट्री का नाम बताओ, मैंने आपको दो कंट्रीज़ के नाम बताए थे, न्यूजीलैंड में एक रिवर को दिए गए थे। तो ऐसे भी क्वेश्चन करंट से अगर घुमा के एनवायरनमेंट में डाले के पूछे जा सकते हैं, पता होना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं कि सर जो है, इसलिए कहते हैं कि न्यूज़पेपर के टच में रहना चाहिए। इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा, पहले ही बता रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बोल रहा हूँ, देखो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, इस सेशन के बाद वीडियो आपको यहीं पर अवेलेबल मिलेगी, इसमें से नोट्स बना लेना। अभी नोट्स बनाने के चक्कर में मत फंसो अभी, लेकिन कोई भी सिर्फ इसको नेटफ्लिक्स की तरह मत लेके बैठना फ़ोन को, एक पेपर ले लो छोटा सा, उसमें शॉर्ट शॉर्ट लिखते रहो, जिससे कि आपको क्लास में क्या हुआ वो याद रहेगा एंड नोट्स मेकिंग में ईजी मिलेगा। जो लोग यहाँ पे हमारे वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारा कोर्स ले रखा है और वो वहाँ पे एनवायरनमेंट लॉ की बहुत डिटेल में क्लासेस हुई हुई हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको वो नहीं पढ़ना है, वो पढ़ना है, बट दिस विल हेल्प यू एज ए सब्सटीट्यूट, दिस विल गिव यू सम एडिशनल बेनिफिट जो उस क्लास, मतलब वहाँ पे डिटेल में है। ये थोड़ा समराइज तरीके से आपको पूरा सिलेबस कवर कराने की कोशिश है मेरी, ठीक है। चलिए अब देखो बात करते हैं, अनलाइक मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाउ स्पेसिफिकली प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है। राइट टू लाइफ कंटेन इन आर्टिकल 21, तो आर्टिकल 21 के अंदर जो है आपका राइट टू लाइफ है। तो अब राइट टू लाइफ के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब तो आपको पता है कि मतलब अगर आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिया होगा तो आपने देखा होगा कि राइट टू लाइफ का स्कोप कितना हो चुका है। तो उसी के अंदर जो है राइट टू क्लीन एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट भी इंक्लूड हो चुका है, राइट टू लिव इन क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट भी हो चुका है। आर्टिकल 38 जो है वो रिक्वायर करता है, देखो ये आर्टिकल्स ना आपको एज इट इज़ पता होने चाहिए, एग्जाम में सीधे पूछा जा सकता है, ये स्टेटमेंट लिख दी कौन सा आर्टिकल है, ये स्टेटमेंट लिख दी कौन सा आर्टिकल है, ये स्टेटमेंट लिख दी कौन सा आर्टिकल है। यू कैन गेट कन्फ्यूज अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता हो, आप ऐसे याद कर लो कि चलो आर्टिकल 38, 47, 48 है जो है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, लेकिन एग्जाम में जब स्पेसिफिकली पूछ लेगा तब क्या करोगे। तो आर्टिकल 38 रिक्वायर्स द स्टेट टू इंश्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल विच कैन बी ऑब्टेंड बाय अनपोल्यूटेड एंड क्लीन एनवायरनमेंट ओनली। आर्टिकल 47 जो है वो कहता है स्टेट्स दैट स्टेट शैल रिगार्ड द रेजिंग ऑफ द एक्सटेंट ऑफ न्यूट्रिशन एंड कॉमन प्लेस ऑफ लिविंग अलॉन्ग विद द एडवांसमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ। आर्टिकल 48 ए कहता है इट स्टेट्स दैट स्टेट शैल इंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई हैं, कोई दिक्कत? मोनिका, दीपशिखा, नसीफा, चलो किसी को इतने में कोई डाउट बन रहा है, कुछ क्वेश्चन, कुछ कोई प्रॉब्लम, क्लियर है ना? देखो एनवायरनमेंट लॉ कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत समझने वाला टॉपिक है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं इसके जो कॉन्सेप्चुअल हैं वो समझ लोगे तो अच्छी बात है, बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ में क्या पढ़ना है ना ये पता होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियर सभी के मन में, सभी को चीज़ें समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आर्टिकल्स नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट हैं। आर्टिकल 51A सब क्लॉज जी, ये क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपेंशन फॉर लिविंग क्रिएचर। तो ये बहुत ध्यान रखना। देखो मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, आर्टिकल्स ना ये बहुत बेसिक हैं, अगर मतलब फ्री के नंबर है, अगर ये पूछे जाएंगे ना तो जो बच्चा तैयारी करके जाएगा वो ये गलत नहीं करेगा, तो आप फिर पीछे हो जाओगे, और आप भी तैयारी करने के लिए ही जाना चाह रहे हो, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, तभी आप इतने सीरियस हो कि आप यहाँ तक पहुँचे हो। तो कहने का मतलब ये कि ये सब फ्री के नंबर हैं, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, इतना याद होना चाहिए और इतना आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है एज ए लॉ ग्रेजुएट्स कि भाई आपको आर्टिकल, सेक्शंस, ये सब चीज़ें पता हो, और कॉन्स्टिट्यूशन तो पता ही हो यार, IPC, CRPC, चलो भूल भाल भी जाओ, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये एनवायरनमेंट लॉ का जब हम कॉलेज में पेपर वेपर देते थे तब भी हम लोगों को याद करना होता था, ठीक है। एक और जैसे क्वेश्चन एनवायरनमेंट लॉ में बहुत बन जाता है कि MC मेहता केसेस जब आप पढ़ो सारे तो उनके ईयर वाइज ना याद रखना कि कब कौन सा केस हुआ था, उसमें ना सीरियल लगाने का भी आ सकता है कि भाई ये वाला कब हुआ था या वो वाला कब हुआ था, तो पता होना चाहिए, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है।
चलिए इसके बाद देखो भारत के अंदर जब है किस किस केस से क्या क्या चीज़ें निकल के आई थी, तो रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1988 का जो ये केस था, इसमें ये कहा गया था कि राइट टू लिव इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट एज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फर्स्ट रिकग्नाइज इन दिस केस। ठीक है, समझ में आया, एक हेल्दी एनवायरनमेंट को भी पार्ट 21 के अंदर डाल दिया गया था। सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के अंदर क्या कहा गया था, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू लाइफ इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इंक्लूड्स राइट टू इंजॉयमेंट ऑफ पॉल्यूशन फ्री वाटर एयर फॉर फुल तो ये भी उसको बढ़ा दिया गया था। क्लियर हुआ, ठीक है। फिर था एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 का केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू लिव इन अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दामोदर राव वर्सेस एसओ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इसमें भी राइट टू लाइफ 21 के अंदर कहा था कि पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट अमाउंट्स टू द वायलेशन ऑफ राइट टू लाइफ। 2002 का एक केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आर्टिकल 39E 47 कलेक्टिवली कास्ट अ ड्यूटी ऑन स्टेट टू सिक्योर पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। तो देखो का पेपर आप लोगों ने देखा होगा, एनालिसिस किया होगा, तो देर आर सम सब्जेक्ट जहाँ पे रिसेंट चीजों पे क्वेश्चन एक ऐसा पार्ट आते हैं, तो उसमें ना ये वर्डिक्ट्स के ऊपर आ सकता है, पूछा जा सकता है कि किस अगर आप एनवायरनमेंट लॉ करने होंगे जो कॉन्सेप्चुअल वाला कर लेते हैं, क्योंकि रटाने वाली चीज मुझे इतना मजा नहीं आता है। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं जहां पे क्वेश्चन और बनते हैं। अब है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एनवायरनमेंट लॉ, पीछे आऊंगा फंडामेंटल प्रिंसिपल क्लियर करें। हेलो हेलो हेलो, आई थिंक नाउ इट शुड बी फाइन। अभी बताओ अभी आ रही है आवाज? ऑडिबल, ठीक है। और भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सभी लोग थम्स अप कर देना, बिकॉज आपको पता है पहले क्लाइड पॉइंट जो है ना हमारा मेन ही यूट्यूब चैनल पे, हम पीजी यूजी दोनों करते थे, पीजी के लिए हमने एक नया चैनल ये बनाया है, क्योंकि हमारा फोकस ये था कि पीजी वाले बच्चों को सिर्फ पीजी वाला ही चैनल देखना पड़े, बस द हिंदू वहाँ से वो लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, तो इसीलिए इस चैनल को थोड़ा शेयर वेयर भी कर दिया करना अपने दोस्तों के साथ, और बाकी तो आप लोग समझदार हो ही हो, है ना। ठीक है, तो एज यू सेड आई एम ऑडिबल, तो लेट्स गो फॉरवर्ड। पहले से नहीं हो रहा है ना ये, अभी थोड़ा सा आपका वॉइस वाला इशू आया था आई थिंक, है ना। ठीक है, चलो तो देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एनवायरनमेंट लॉ थोड़े से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, देखो इसको सिंपल मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में आपको समझाऊँ ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये कि भाई आप डेवलपमेंट तो करो लेकिन तरीके से करो जिससे कि फ्यूचर के लोगों का भी जीवन सही रहे। मतलब जैसे बहुत ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट करने के लिए इतना पोल्यूशन किए जा रहे हो कि जो फ्यूचर जनरेशन हो वो ख़राब हो जाए। तो कहने का मतलब है कि प्रेजेंट डेवलपमेंट को फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी से कनेक्ट करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक कॉन्सेप्ट जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, जिससे कि हर जनरेशन जो है वो इससे बेनिफिट हो। यहाँ पे देखो हम जो भी चीज़ें आप इसमें देखने वाले ना, इस पर बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, इसके प्रिंसिपल्स पे बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़ा फोकस करना, ध्यान से सुनना, और कॉन्सेप्ट्स हैं अगर बन जाएगा आराम से कर लोगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन सिंपल टर्म्स रिफर टू डेवलपमेंट दैट इज सस्टेनेबल, ठीक है।
मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, ये अंग्रेजी लिखी हुई है, आपका आंसर राइटिंग का तो करने के आना नहीं है, चिल रहो, अपने को समझना आना चाहिए कि है क्या, फिर वहाँ पे कुछ भी होगा आप कर लोगे आराम से, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस इन विच डेवलपमेंट कैन बी सस्टेन फॉर जनरेशन, इट मीन्स इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ वाइल एट द सेम टाइम लिविंग इन हारमोनी विद द नेचर एंड मेंटेनिंग कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द लाइफ सपोर्टिंग इकोसिस्टम, ठीक है। लीगल रिकग्निशन क्या है इसका, तो अंडर प्रिंसिपल 13 विच रिफर्स टू द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इंटीग्रेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट ड्यूरिंग यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट एट स्टॉकहोम इन 1972। आप कह रहे हो सर ये तो आप मतलब बहुत बकवास बोले जा रहे हो भाई, इसको याद ही करना पड़ेगा, कोई सोल्यूशन नहीं है। लीगल रिकग्निशन कहाँ है, तो प्रिंसिपल 13 के अंदर है, कहाँ पे है, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट एट स्टॉकहोम इन 1972। पर अगर आपसे पूछें कि लीगल रिकग्नाइज पहली बार कहाँ पे किया गया था, तो ब्रूटलैंड रिपोर्ट में किया गया था, ध्यान रखना, ठीक है। ब्रूटलैंड जो रिपोर्ट थी, जो भी प्रोनाउंसिएशन हो इसका, आई थिंक ब्रूटलैंड ही होगा, ब्रूटलैंड रिपोर्ट जो थी ये, वैसे इस ब्रूटलैंड रिपोर्ट को हम आगे डिटेल में भी समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें थी इसमें, लेकिन आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो पहली बार लीगल रिकग्निशन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हुआ था वो ब्रूटलैंड रिपोर्ट में हुआ था, ठीक है। और पहली अक्नॉलेज कहाँ हुआ था, तो प्रिंसिपल 13 यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट एट स्टॉकहोम 1972। क्लियर हुआ, ये बेसिक चीज समझ में आई, इसको नोट करना है आपको बाद में वीडियो से। मैंने फिर से बता दिया है, ब्रूटलैंड रिपोर्ट में पहली बार लीग नहीं रिकॉग्नाइज हुआ था, और मेंशन कहां पे हुआ था वो भी हमने देख लिया, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। जुडिशियल रिकॉग्निशन इन इंडिया, इंडिया में कब आया, तो रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, देहरादून मसूरी हिल क्वेरिंग केस, जो बहुत ही फेमस केस है, हमने एनवायरमेंट लॉ में पढ़ा है, उसकी डिटेल में नहीं जाना है, एग्जाम में वो नहीं पूछेंगे, 1985 का वो केस था, उसके अंदर इंडिया में पहली बार इसको रिकॉग्नाइज किया गया था, ठीक है। थोड़ा सा मेरे साथ इंटरेक्ट भी करते रहो आप लोग, थम्सअप करते रहो, जिससे मुझे पता रहे आपको समझ में आ रहा है। तो व्हेन आई आस्क्ड यू कि भाई समझ में आया है, आगे बढ़ें, तो बोल दिया करो यस सर यस सर यस सर, ठीक है, जिससे कि अपने को भी क्लियर है ना, फिर मैं आगे बढ़ूँ आराम से, वरना मैं पता पड़े रामायण आपको बता रहा हूँ, फिर आप मेरे से बाद में पूछो कि सर रावण कौन था, वो कहावत है ना एक, तो वाली बात है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखो। फिर देखो ब्रूटलैंड रिपोर्ट में क्या हुआ था, तो दिस रिपोर्ट फोकस ऑन द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड स्टेटेड दैट इट इज़ द फ्यूजन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इकोलॉजी इन द डिसीजन मेकिंग एट एवरी लेवल। ये याद करने की जरूरत नहीं है, ब्रूटलैंड रिपोर्ट में लीगली रिकॉग्नाइज हुआ था, ये ध्यान रखना, ठीक है। रियो डिक्लेरेशन में क्या कहा गया था, इट लेज डाउन द इम्पॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी एज ए वाइटल कंपोनेंट फॉर ह्यूमंस एंड फर्दर गोज ऑन टू मेंशन दैट द राइट टू डेवलपमेंट मस्ट बी फुलफिल्ड एज द इक्विटेबली मीट एनवायरमेंटल नीड्स ऑफ द प्रेजेंट अलॉन्ग विद द फ्यूचर जनरेशन एंड डेवलपमेंट। सभी ने वही घुमा फिरा के बात वही कही है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हुआ है आप समझ जाओगे, ठीक है। चलो अब ये देखो जितना लिखा हुआ है ना, प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबिलिटी क्या क्या है, ये दीज आर 7 प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबिलिटी, कि किस तरीके सस्टेनेबिलिटी का, तो हमने कह दिया कि ठीक है हम लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, लेकिन कैसे करना है, तो उसके जो है ना 7 प्रिंसिपल्स बताए गए, उसी को हम अब डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ रहा हूँ 7 प्रिंसिपल को, हम जब डिटेल में देखेंगे नीचे तो वहीं से फिर एक एक करके ख़त्म करते चलते हैं। सबसे पहला देखो जो प्रिंसिपल है वो है द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या है, नाम से क्या समझ में आ रहा है, What do you understand by precaution? Precaution हम क्या लेते हैं, मतलब बचाव करना, kind of यही हो गया ना precautionary principle। तो precautionary principle first appeared in international legal instrument in mid-1980s। इसका जो main purpose था वो ये था, development and application of environment policy where scientific uncertainty, बकवास लिखी हुई है, अपने को समझना नहीं है, simple समझ लो। precautionary principle का एक मतलब है prevention is better than cure, that's it। कि भाई prevention करते हुए चलो, ऐसी नौबत ही ना आए कि कुछ हार्म हो, समझ में आई बात, तो वो यहाँ पे कहा गया है। अब इसमें क्या क्या कर सकते हो, एंटिसिपेटरी एक्शंस हो गया, राइट टू नो हो गया, कोई काम हो रहा है तो लोग पता तो कर सकें कि भाई क्या हो रहा है, सही है कि गलत है। अगर कोई चीज़ आप कर रहे हो, जैसे कि अभी केरला के अंदर हम एक प्रोजेक्ट देख रहे हैं, मुझे कोई भी नाम बताओ, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट नाम है उसका, जिसमें काफ़ी सारे जंगलों को काटना पड़ेगा, तो क्या कोई अल्टरनेट तरीका है, अल्टरनेटिव असेसमेंट लगाओ, फुल कॉस्ट अकाउंटिंग करो, पार्टिसिपेटरी डिसीजन प्रोसेस करो, जो जो उसमें इंक्लूड हैं, जो जो लोगों से सफ़र करने वाले हैं, तो ये वाली चीज़ें हो गई हैं, ठीक है।
इंटरनेशनल सिनारियो क्या है, तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जो है वो डिक्लेरेशन ऑफ एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द नॉर्थ सी 1987 में पहली बार आया था, बट नाउ इट अपीयर्स इन ऑलमोस्ट ऑल इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो हुई थी एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पे रियो डी जेनेरियो 1992, जिसको अर्थ समिट भी कहते हैं, वहाँ भी इसके ऊपर काफ़ी हद तक डेडिकेटली बात हुई थी और प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को ही वहाँ पे एक मेन मुद्दा रख के पूरी चर्चा का विषय बनाया गया था। तो प्रिंसिपल 15 ऑफ रियो डिक्लेरेशन क्या कहता है, ये वही रियो डिक्लेरेशन है 1992 वाला जिसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, जहाँ पे इसके बारे में बात करी गई थी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। उसका प्रिंसिपल 15 क्या कहता है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट द प्रिकॉशनरी अप्रोच शॉल बी वाइडली अप्लाइड बाय द स्टेट्स अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज वेयर देर आर थ्रेट्स एज अ सीरियस एज अ इरिवर्सिबल एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन। देखो एनवायरनमेंट लॉ में कुछ ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट है, चीज़ें हैं, ये हैं, वो हैं, इन द एंड यू नीड टू लर्न इट, बट क्या लर्न करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे रहती हैं कि हम क्लास में डिस्कस करते हैं, दिमाग में रह जाती है, एग्जाम में आता है, लगा देते हो, तो ये वाली चीज़ है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना किसी को, कोई डाउट कोई समस्या जल्दी बताओ फिर आगे बढ़े, इतने में कोई डाउट है कोई समस्या है। बढ़े आगे, ठीक है, अब देखो इंडिया के सिनारियों की बात करते हैं। इंडिया का सिनारियो क्या है इसके ऊपर, द प्रिंसिपल हैज बीन एडॉप्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड द लेजिस्लेचर। ठीक है, इन पहली बार इंडिया के अंदर वेल्लोर सिटीजन फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखो यहाँ पे क्या बकवास है, ये सब चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए ये प्रिंसिपल इंडिया में पहली बार वेल्लोर सिटीजन फोरम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर देखा गया था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, जिसका नाम है पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। ये क्या है, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल का बेसिकली मतलब ये है कि पॉल्यूटर इज लाइबल टू बियर द एक्सपेंसेस। मतलब मैं अगर पॉल्यूशन कर रहा हूँ तो आई एम लाइबल टू बियर द एक्सपेंस जो भी उससे हार्म हो रहा है। ये एक बेसिक लेमन लैंग्वेज में समझने की बात है कि पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल क्या है। तो पॉल्यूटर इज लाइबल टू बियर द एक्सपेंसेस फॉर द अंडरटेकिंग्स दैट रिजल्टेड इन डैमेज टू द एनवायरनमेंट। तो पॉल्यूटर पेज द फाइनेंशियल कॉस्ट आइदर फॉर प्रिवेंटिंग और रिडीमिंग द डैमेज कॉस्ट टू द एनवायरनमेंट बाय पॉल्यूशन क्रिएटेड बाय दोज अंडरटेकिंग्स। ठीक है, भारत के अंदर क्या है, भारत के अंदर ना पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के साथ आता है। इसका मतलब ये है कि भाई आपको कंपनसेट भी करना है जिनको नुकसान हुआ है, साथ ही साथ आप एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन जो हुआ है ना उसको रिस्टोर करने के लिए भी कंपनसेट करो। तो भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट हैज इंटरप्रिटेटेड पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल एज एन एब्सोल्यूट लाइबिलिटी फॉर हार्म टू एनवायरनमेंट। ठीक है, पहली बार कौन से केस में रिकॉग्नाइज किया गया था, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 का ये केस है, जिसका ओलम गैस लीक केस के नाम से भी हम जानते हैं। क्लियर है इतना, कोई डाउट कोई समस्या नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखो 1996 में इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरमेंटल लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखो एमसी मेहता के सारे केस एक लिस्ट में लिख लेना और उसमें ईयर वाइज किस में क्या आया था ना ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, गलत नहीं हो जाए इसीलिए बता रहा हूँ। इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरमेंटल लीगल एक्शन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें भी फिर इसके बारे में कहा गया था। वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें भी कहा गया था। ठीक है, इंटरनेशनल सिनारियो क्या है, 1972 में ओईसीडी काउंसिल रिकमेंडेशन ऑन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल पॉलिसीज, उन्होंने भी रेफरेंस दिया था, एक्सप्लिसिट रेफरेंस दिया था पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल के बारे में। रियो डिक्लेरेशन 1992 के अकॉर्डिंग भी ये कहा गया था, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल इज पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इंटरनेशनल सिनेरियो में भी ये एक्सेप्टेड है, प्रिंसिपल 16 जो है वो इसके बारे में बात करता है। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं आगे, इंटरजनरेशनल इक्विटी। अब यहाँ पे देखना बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, इंटर एंड इंटर, एक होगा इंटरजनरेशनल और एक है ये इंटरजनरेशनल। जैसा आपके कॉलेजेस में आपने जब कभी स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट किया होगा तो उसमें होता था इंटर फैकल्टीज़ और एक होता था इंट्रा फैकल्टीज़। अगर आप सौभाग्य से किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे जहाँ पर बहुत सारी फैकल्टीज़ होती थी तो बहुत बार इंटर फैकल्टीज़ मैचेस होते थे, बहुत बार इंट्रा फैकल्टीज़ होते थे, तो वहाँ से थोड़ा ना इंटर एंड इंट्रा में कन्फ्यूज़न ख़त्म हो सकता है, ये बहुत बार स्टूडेंट्स गलत करते थे, तो उसको ध्यान से सुनना। ठीक है,
इंटरजनरेशनल इक्विटी का मतलब ये है, ये कोई आज की बात नहीं, पुराना कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये कहा गया है कि भाई आज की जो जनरेशन है वो एनवायरनमेंट को लाभ ले रही है और डिग्रेड कर रही है, तो हम यहाँ पे किसके राइट्स को वॉयलेट कर रहे हैं, हम यहाँ पे फ्यूचर जनरेशन के राइट्स को वॉयलेट कर रहे हैं, आप लोग अपने बच्चों उनके बच्चों के राइट्स को वॉयलेट कर रहे हो, उनका भी तो आर्टिकल 21 होगा कि भाई अच्छी सांस लें, पॉल्यूशन से बच के रहें, पर ये सब तो खराब कर रहे हो आप लोग। तो इंटरजनरेशनल इक्विटी का बेसिकली मतलब ये है कि भाई इट वॉज आउटलाइन इन प्रिंसिपल 3rd ऑफ रियो डिक्लेरेशन 1992, ठीक है, मतलब क्या है, जस्टिस बिटवीन जनरेशंस रिक्वायर इक्विटी बिटवीन जनरेशंस, दैट इज फ्यूचर जनरेशन मस्ट हैव इक्वल एक्सेस टू रिसोर्स एंड इकोसिस्टम सर्विसेज एज द करेंट जनरेशन। जो मैंने पूरी बातें बोली उन्होंने अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों में लिख के रख दिया है, अपने को कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट ये है कि भाई मेरे पास जो राइट्स हैं, मेरे मैं पॉल्यूशन फ्री अभी इन्वायरमेंट में हूँ, तो मेरे बच्चे भी रहें, उनके बच्चे भी रहें, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। तो एवरी वन हैज़ इनहेरेंट राइट टू एग्जिस्ट इन योर थ्रेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब नहीं हटाओ। अब प्रिंसिपल ऑफ इंटरजनरेशनल क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ ऑप्शंस, कंजर्वेशन ऑफ क्वालिटी, कंजर्वेशन ऑफ एक्सेस, ठीक है। इंडिया का सिनारियो क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एपी पॉल्यूशन कंट्रोल वर्सेस एमवी नायडू, इस केस के अंदर जुडिशरी ने प्रोटेक्ट किया है राइट जो उस समय वॉम्ब में थे मदर्स के। तो यहाँ पे ये एक बहुत ही लैंडमार्क टाइप का जजमेंट था जो इंटरजनरेशनल इक्विटी की बात भारत में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करी गई थी। अभी सुप्रीम कोर्ट थी या हाई कोर्ट थी आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट करी गई थी। इसमें क्या कहा गया था, जो बच्चे अभी गर्भ में हैं, वॉम्ब में हैं मदर्स के, उनके राइट्स की बात करी गई थी कि भाई वो भी जो है हेल्दी एनवायरनमेंट में रहें। तो यहाँ से फिर जो है कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर भी आप कह सकते हो कि इवॉल्व हुआ था। क्लियर हो रहा है, कोई डाउट, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखो है इंटरजनरेशनल इक्विटी, मतलब यही वाली है अभी, वो है इंट्रा, अभी मैं इसी पे आ रहा हूँ थोड़ा सा, इस पर इंटरनेशनल सिनारियो हमारा रह गया है वो हम देख रहे हैं। तो इंटरजनरेशनल इक्विटी जो है ना, ये सेंटर कंपोनेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। फ्रॉम स्टॉकहोम टू ब्रिक्स समिट 2014, इट इज़ एक्सेप्टेड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी दैट देयर शुड बी इमीडिएट ऑपरेशन टू अकम्प्लिश सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इट इज़ राइट टाइम टू रिन्यू अवर कमिटमेंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल 1 ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस लिख लेना, प्रिंसिपल 3 ऑफ रियो डिक्लेरेशन लिख लेना, समझ लेना, आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये देखो मैंने इसको कर दिया है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लेना, बाद में वीडियो को पॉज करके देखना हो वैसे कर लेना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इंटरजनरेशनल इक्विटी, सॉरी वो था इंटर, यह इंट्रा जनरेशनल इक्विटी, फिर से मैं कन्फ्यूज नहीं होना है, दैट इज इंटरजनरेशनल इक्विटी, दिस इज इंट्रा जनरेशनल इक्विटी। अब इंट्रा जनरेशनल इक्विटी क्या है, इंट्रा जनरेशनल इक्विटी का मतलब यह है कि भाई देखो चाइना है वो डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे तो बहुत पॉल्यूशन हो रहा होगा, वहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी, लेकिन कोई छोटा सा देश है जिसका नाम है नॉर्वे, तो भाई वहाँ के लोगों को भी तो राइट है सांस लेने का, अच्छा सांस लेने का, लेकिन पॉल्यूशन तो चाइना फैला रहा है, प्रॉब्लम हो रही है नॉर्वे में, ये तो गलत बात है। तो इंट्रा जनरेशनल इक्विटी ना इस डिफरेंस को कम करने की बात करता है, इक्विटी विथ इन एंड बिटवीन कंट्रीज, इट इज़ द बेसिस ऑफ इंट्रा जनरेशनल इक्विटी एंड मस्ट बी सीन इन द लाइट ऑफ द डिफरेंस इकोनॉमिक एनवायरमेंटल कल्चरल एंड पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस दैट एग्जिस्ट अमॉन्ग कंट्रीज, ठीक है, क्लियर हुआ। फिर ब्रूटरलैंड रिपोर्ट के अंदर क्या कहा गया था, एज ए रिजल्ट द ब्रूटरलैंड रिपोर्ट एसर्ट्स दैट व्हेन द इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल सिचुएशन ऑफ लोअर एंड हायर इनकम कंट्रीज, देखो बेसिकली क्या लिखा था बता देता हूँ, ये बकवास हटाओ, बेसिकली ये बात रिपोर्ट में आई थी कि भाई जब कोई कंट्री है जो डेवलप्ड है, जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है इन पॉल्यूशन फैलाने वाली चीज़ों में, जब ज़्यादा फैक्ट्रीज होंगी तभी वो डेवलप होगा, ज़्यादा इंडस्ट्रीज होंगी तभी वो डेवलप होगा, तो तुम ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहे हो, पर इससे क्या हो रहा है, जो कंट्री कुछ नहीं कर रही है वो भी हार्म कर रही है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिर उन कंट्रीज़ की कि जिन कंट्रीज़ कुछ नहीं कर रही हैं उनकी मदद करें। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट इसका, ठीक है, अब इसमें बकवास लिखने का मतलब नहीं है। इंट्रा जनरेशनल इक्विटी के वजह से आप बहुत बार ऐसा सुनते हो कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है ना उनको वर्ल्ड के एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है प्रोटेक्शन के लिए कंपेटिवली टू द डेवलपिंग कंट्रीज़। कुछ दिन पहले ना एक कॉन्सेप्ट अभी सुनने में आ रहा था कि इंडिया को डेवलप्ड कंट्रीज़ बना देते हैं और US बड़ा बैक कर रहा था, तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि इससे फिर आपके ऊपर बहुत सारे कैप लग जाते हैं, आप पॉल्यूशन कम कर सकते हो, आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या फिर जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनको एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन को,
क्योंकि देखो आज क्या होता है, जो बड़ी कंट्रीज हैं जैसे कि यूएस हो गया, चाइना हो गया, इनके पास इतना फंड है कि वो भाई अपने एनवायरनमेंट को सही करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, चाइना जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहा है, ठीक है, पर चाइना में वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा स्मोक टावर भी हैं। अब स्मोक टावर क्या होता है सर, हमें तो पता ही नहीं है। देखो स्मोक टावर अगर कोई न्यूज़पेपर पेपर थोड़ा बहुत पढ़ता होगा तो पता होगा, वरना दिल्ली में कोई रहता होगा तो उसे पता होगा। एक इस तरीके का ऐसा लंबा सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, यहाँ पे उसमें ना फैन लगे होते हैं। ये देखो आज पेन पता नहीं खराब काम कर रहा है, इसको देखो मैं बना, मतलब यार ये बन ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको कैसे बताऊँ कैसे बताऊँ कैसे बताऊँ, चलो ठीक है। ये देखो ना कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है बड़ा सा, मतलब ज़मीन पे सो खड़ा कर देते हैं और उसमें फ़ैन लगाते हैं बड़े बड़े, ठीक है। तो जब हवा इधर से निकलती है तो इस साइड से मतलब उसमें फिल्टर्स होते हैं जिसकी वजह से प्योर होके निकलती है। तो अभी इंडिया में तो दिल्ली के अंदर एक चांदनी चौक में है और आनंद विहार में शायद बना है, लेकिन वर्ल्ड में बहुत जगहों पे बहुत ज़्यादा, मतलब चाइना के अंदर आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्मोक टावर्स इंस्टॉल किए गए हैं। तो भाई चाइना तो अमीर कंट्री है, वो तो कर सकता है, इंडिया भी पैसा है तब भी थोड़ा बहुत कर ले रहा है, लेकिन जो पुअर कंट्री है वो तो नहीं कर पा रही है ना। तो इस कॉन्सेप्ट की वजह से फिर ये जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है ना, ये इन पुअर कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा देती है कि भाई आप भी अपने एनवायरमेंट को बचाओ, क्योंकि एनवायरमेंट खराब तो डेवलप्ड कंट्रीज कर रहा है, सफर जो है वो डेवलपिंग एंड पुअर कंट्रीज भी कर रहा है, ठीक है। तो यही है कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसे ही कहते हैं कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी की है, डेवलप्ड कंट्रीज की, डेवलपिंग कंट्रीज की, पुअर कंट्रीज की, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की। लेकिन डिफ्रेंशिएटेड का मतलब जिसका जितना है वो उतने हिसाब से करे। तुम डेवलप्ड हो, तुम ज़्यादा पॉल्यूशन करते हुए आए हो, तुम आज से तो पॉल्यूशन नहीं कर रहे हो ना, तुम ना जाने कब से पॉल्यूशन कर रहे हो, तभी तो तुम डेवलप्ड हो, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। डेवलपिंग वाले कम कर पा रहे हैं क्योंकि वो अभी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, ज़्यादा उनके इकोनॉमिकली ही नहीं है, इंडस्ट्रीज ही नहीं है, तो भाई उनको तब भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन थोड़ी कम है। और जो सबसे कम है पुअर वाले, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकिन उनकी और कम है। तो यही होता है कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बारे में प्रिंसिपल 7 ऑफ रियो कॉन्फ्रेंस 1992 में भी आपने देखा है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में भी देखा है, क्योटो प्रोटोकॉल भी इसी के बारे में सबसे ज़्यादा बात करता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, ये सब नोट कर लेना। इसके बाद है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का मतलब क्या है कि भाई पब्लिक का ट्रस्ट होना चाहिए। रोमन एम्पायर केम विद द डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। इसमें यह है कि नेचुरल रिसोर्स लाइक एयर, सी, वाटर, ये किसी प्राइवेट बंदों के ऊपर नहीं छोड़े जा सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट ही रेगुलेटरी अथॉरिटी रहे और वही इसके एज ए ट्रस्टी की तरह वर्क करे, जिससे कि जनता को ट्रस्ट रहे कि ये सब चीज़ें सेफ हैं। समझ में आया? अब इसके ऊपर काफ़ी सारी केसेस हैं इंडिया के अंदर, जैसे कि MC मेहता वर्सेस कमलनाथ एंड अदर्स। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रिसोर्सेज सच एज एयर, सी, वाटर्स एंड द फॉरेस्ट हैव सच ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द पीपल एज होल दैट बाई लीजिंग इकोलॉजिकली फ्रेगाइल लैंड टू द मोटल मैनेजमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैड कमिटेड ए सीरियस ब्रीच ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। मतलब ये कहा गया कि भाई आपने जमीन जो है किसी पर्टिकुलर प्राइवेट बंदे को दे के जनता का जो ट्रस्ट है वो तोड़ा है और ये सही नहीं है, ठीक है। इसके बाद इंडियन काउंसिल ऑफ एनवायरमेंट लीगल एक्शन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, बिचरी पॉल्यूशन केस के नाम से भी हम जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज टू कंपनसेट फॉर द हार्म कॉज बाय देम टू द विलेजर्स इन अफेक्टेड एरियाज। आपने यहाँ पे ट्रस्ट तोड़ा, फिर इस केस में भी इस तरीके की चीज़ें कही थी, नोट कर लेना, ठीक है। इसके बाद है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कहाँ कहा गया है, तो रियो कॉन्फ्रेंस एजेंडा 21 में इस पर इम्फेसाइज किया गया है, ये नोट कर लेना, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? किसी को कोई डाउट है, कोई समस्या है इतने में? देखो एक सेशन इसके बाद मैं और लूँगा आपके एनवायरमेंट लॉ का, अभी हम एक्ट भी कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसमें जो है हम कन्वेंशंस और इस तरीके थोड़ा ट्रिक के माध्यम से उसको समझने की कोशिश करेंगे, जिससे थोड़ा सा इजी हो जाए आप लोगों के लिए, ठीक है। अब जो कुछ एक्ट्स हैं जिसपे काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, तो वो मैंने थोड़ा सा समराइज करके यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है, आप लोग इसको आराम से यहाँ से कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो भाई पूछ सकता है, वरना तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक एक्ट है जिसका नाम है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। इन एक्ट्स में देखो दो तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहले ईयर, ये एक्ट का मेन मोटिव क्या था, दैट्स इट। एक्ट्स में इससे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
कुछ और ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ हो तो ठीक है, अदरवाइज मेन क्या है, एक्ट कब आया था, क्या इसका पर्पज़ है, किस चीज़ से डील करता है। तो 1974 में वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 आया था। ये पहला ऐसा लॉ पास हुआ था इंडिया में आफ्टर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट टू रेगुलेट द डिस्चार्ज ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स इनटू रिवर एंड लेक्स विदाउट एडुकेट ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये पहला ऐसा लॉ आया था आफ्टर द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट सेक्शन, और 74 में आया था, मतलब जब 74 में पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी उससे पहले की बात है। सेक्शन 2 ई हैज़ डिफाइंड द टर्म पॉल्यूशन इसके अंदर, और क्या है पॉल्यूशन डेफिनेशन सब हटाओ। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 आया था, इसका गोल था टू रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट एरिया डाइवर्जन फॉर नॉन फॉरेस्ट्री ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, फिर एक एक्ट आया था द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, तो ये एक स्पेशलाइज लेजिस्लेशन था जो बात करता था एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड, डील करता था चीज़ों को, नाम से समझ में आ रहा है। इसमें एयर पॉल्यूटेंट डिफाइन किया गया था, क्या डिफाइन किया गया था, एनी सॉलिड लिक्विड गैसियस सब्सटेंस इंक्लूडिंग नॉइस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन सच कंसंट्रेशन एज मे बी और ट्रेंड टू इंजीरियस टू ह्यूमन बींग्स और अदर लिविंग क्रिएचर और प्लांट्स और प्रॉपर्टी एनवायरमेंट। ठीक है, आपने कितनी बार साउंड को भी कनेक्ट करते हुए केसेस देखे होंगे एयर पॉल्यूशन से। ठीक है, अब तो उसको नॉइस पॉल्यूशन भी हम कह देते हैं, बट इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया था भोपाल गैस ट्रेजिडी के बाद, इंडिया ने एक एक्ट लाया जिसका नाम था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसमें स्टोरिंग हैंडलिंग एंड यूज़ ऑफ हजार्डियस वेस्ट कैसे करने हैं इसके बारे में बात करी गई थी। एनवायरमेंट पॉल्यूशन 2C सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया था, एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट सेक्शन 2B के अंदर डिफाइन किया गया था। ये सब आप लोग भाई नोट कर लेना, इसमें मेरे को समझाने के लिए नहीं है, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट आया था 1991 में। ठीक है, फिर आया था नेशनल एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट 1995 के अंदर, और इस एक्ट के अंदर नेशनल एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल बनाने की बात करी गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, नेशनल एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल जो है वो बनी थी फ्रॉम 1995 वाला एक्ट। फिर आया था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ठीक है, क्लियर है। द नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी ऑफ 2006 आई थी, ये क्या था, ये इंडिया का नेशनल कमिटमेंट जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है हमारे आर्टिकल 48A के थ्रू, 51AG के थ्रू, तो उसी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करी गई थी, जिसमें कंजर्वेशन ऑफ क्रिटिकल एनवायरनमेंट रिसोर्स की बात करी गई थी, इंटर जनरेशनल इंट्रा जनरेशनल सब की बात करी गई थी। ठीक है, फिर NGT 2010 एक्ट था, जितनी भी आप NGT ट्रिब्यूनल सुनते हैं वो इसी एक्ट से गवर्न होते हैं। एक स्टैटूरी बॉडी होती है NGT, जो किससे बनती है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के थ्रू चलती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, ये एक्ट से डील करते हैं। ठीक है, फिर है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। द एक्ट प्रोटेक्ट्स फ्लोरा स्पीसीज एंड ऑफर द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट द अथॉरिटी टू डिक्लेयर एनी प्लेस एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क और क्लोज्ड एरिया। ठीक है, जानवरों से डील करते हैं ये, इसके बाद मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये एक्ट्स देखो, आप लोग पॉज करके आराम से नोट कर लेना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप वैसे सेव करना चाहो वैसे कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे। बाकी इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको सारी बता दी हैं, जो समझने वाली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की चीज़ें थी वो भी मैंने आपको बता दी हैं। देर इज़ नो नीड कि हम चीज़ों को बार बार रिपीट करें या फिर मैं किसी सेशन को लंबा करने के अलावा कुछ भी बोलता रहूँ। काम की चीज़ें करनी हैं उसी पर फोकस करो, ज़्यादा समय इधर उधर वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप थिंग्स गॉट क्लियर फॉर ऑल ऑफ़ यू। अब बताओ कैसी प्रिपरेशन चल रही है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। और दूसरी चीज़ ये भी कि मॉक्स में अगर नंबर कम आते हैं, एक सेशन और रह गया है अपना एनवायरनमेंट का, उसमें भी हम काफ़ी सारी चीज़ें देख लेंगे, उसके बाद आपके एनवायरनमेंट लॉ PG के पर्सपेक्टिव से अच्छी खासी कवर हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिपरेशन की। तो देखो बहुत बार क्या होता है ना, मॉक्स आप देते हो क्लैट PG के या किसी के भी, नंबर थोड़े से कम हो जाते हैं, तो उसको अपने ऊपर इतना हावी नहीं होने देना है। आज मैंने एक वीडियो भी डाली है जिसको आप लोगों ने आई होप देखा हो। तो मेरा कहने का मतलब ये कि देखो, इट जस्ट एन एग्ज़ाम, अच्छा जाएगा बुरा जाएगा वो बात की बात है, पर फिलहाल हमारा काम है मेहनत करना। तो जो अपना काम है ना वो अच्छे से करो, उस पर ट्रस्ट करो कि आप जो भी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आप सही डायरेक्शन में कर रहे हो। नंबर नहीं आ रहे हैं आज, कोई बात नहीं,
मैं आपको ऐसे एग्जांपल लास्ट ईयर के भी दे सकता हूँ कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो मॉक्स में 90, 85, 82 भी लेके आते थे, क्लैट में 60, 62 लेके आए, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो 62, 63 लाते थे मॉक्स के अंदर, एंड दे स्कोर्ड अराउंड 72, 71। तो चेंज होता है, आंकड़े चेंज हो जाते हैं, मॉक वॉक तो, और मॉक क्या होता है, कभी किसी पर्टिकुलर कोचिंग का मॉक टफ होता है, कोई पर्टिकुलर मॉक टफ होता है, कभी कोई मॉक ईजी होता है, कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि उसमें किसी एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस नहीं हैं जो आपने पढ़ रखे हों, कभी कभी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं जिस पर क्लैट कम पूछता है, तो बहुत कुछ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि क्लैट पीजी के लिए देर इज़ नो नीड कि आपको 10-12 मॉक्स ज़्यादा देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस एग्ज़ाम के अंदर ना टाइम बहुत बचता है। कैसे बचता है बता देता हूँ, जो पैसेजेस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना उसको सॉल्व करने के लिए आपको पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। जो क्लैट यूजी का जब पेपर होता है उसमें सीआर और इंग्लिश ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको पैसेज पढ़े बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते हैं, तो ठीक है आपका वहाँ पे टाइम वेस्ट होता है, लेकिन क्लैट पीजी के पेपर में कोई इंग्लिश और सीआर का पेपर नहीं है, क्रिटिकल रीजनिंग नहीं आ रही है, आपके आ रही है लीगल की चीज़ें, उसमें पैसेज में तो आपको वैसे भी वो आंसर नहीं देने वाले हैं, पैसेज बस एक रिलेवेंट कोई पर्टिकुलर टॉपिक उठा के फेंक देते हैं, वो उस पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो एक बहुत ही मतलब आई होप आप लोगों को पता भी हो, इस एग्ज़ाम का एक मूल मंत्र समझ लो कि क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, अगर लगता है कि हाँ भाई कुछ रिलेटेड टू द पैराग्राफ नीड है पढ़ने की, पढ़ लो, बट बिलीव मी यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड आंसर्स इन द पैराग्राफ, सो देर इज़ नो नीड टू रीड द पैराग्राफ, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है तानिया, इंटरनल एग्ज़ाम अभी थोड़ा हल्का ले लेना, अभी क्लैट पे फोकस करो, चलेगा, एक दो CGPA नीचे कम हो जाएगी, कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आई होप गाइज यू फाइंड दिस सेशन यूजफुल, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इन योर कॉलेज ग्रुप्स, एटलीस्ट इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, एंड इस चैनल को भी थोड़ा सब्सक्राइब करवा लो, नहीं किया तो खुद भी कर लो। थैंक यू सो मच, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ठीक है, देर इज किसी ने लिखा है, ओके सुमित हैं, प्रिपरेशन गोइंग वेल, I did not applied for ELIT because of description as how do it. Can you please upload mocks on ELIT 2023? Okay, तो देखो ELIT का description के लिए ना, देखो आप लोग परेशान मत हो, क्योंकि वो आप कॉलेज में करते हुए आ रहे हो, कुछ नहीं है, आप कॉलेज में क्या करते हो, हम कॉलेज में पेज भर के आते थे, यही तो करते थे ना भाई, बड़ी बड़ी कहानियाँ लिख के आते हैं जिससे हमें नंबर मिलते हैं। तो ELIT का मॉक सिर्फ इसलिए मत छोड़ो कि आपका आपको ऐसा लग रहा है कि उसमें डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, आप ये जरूर देखो कि उसमें इंग्लिश भी आती है पेपर ए के अंदर, अगर वहाँ आपकी कमांड है तो गो फॉर इट। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश इज़ अ फैक्टर जो उस पेपर ए के अंदर रहेगा। या आई नो सुमित, बाकी किसी को भी कोई डाउट हो प्लीज़ बी इन टच विथ मी, कोई भी बात हो, कोई भी वो हो, आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, पढ़िए। ठीक है, फिर लेते हैं इस सेशन को, नेक्स्ट सेशन जब भी लेंगे आप लोगों को मैं अपडेट कर दूंगा, उसमें एनवायरमेंट लॉ जो बचा